So I think we are pending with the eighth category, and that's what? Multiple projects and constraints. Multiple projects and constraints. Multiple projects and constraints. अब सुनना ध्यान से. ऐसे बहुत सारे projects होते हैं, बहुत सारे projects होते हैं. तुम्हें जितना या हमें जितना simple लगता है ना project को choose करना, उतना simple ये decision होता नहीं है. क्योंकि for example बताती हूँ, one और two. For example तुम्हें याद है हम A और B दो project देख रहे थे, एक की life थी 5 और एक की life थी 7. कौन सा ले? So there is a problem of mutually exclusiveness. मतलब you have many projects which are mutually exclusive to each other और हमें उसमें से choose करना होता है. दूसरा, तुम्हें एक दो project complementary है, मतलब एक लोगे तो दूसरा लेना ही पड़ेगा. For example, अगर तुम कोई एक ऐसे manufacturing में हो जहाँ पे assembly line रुकनी नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारा माल जो है process में वो खराब हो जाएगा. Light नहीं कम होनी चाहिए, light जानी नहीं चाहिए, तो उस केस में क्या करेंगे? जनरेटर लगाना पड़ेगा. और वो जनरेटर अगर तुम वो कावासाकी होंडा समझ रहे हो छोटा सा, तो ऐसा नहीं होता है. जितनी जितने रुपए की मशीन नहीं होती है उससे ज़्यादा बड़े जनरेटर्स आते हैं जो इंडस्ट्रियल जनरेटर्स होते हैं, तो खर्चा तुम्हारा बढ़ा उससे. सो बेसिक एंड उसके बाद कौन से कॉम्बिनेशंस लें? कॉम्बिनेशन नंबर वन और टू लूँ कि टू और थ्री लूँ? देयर विल बी वेरियस प्रॉब्लम्स विद रेस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट्स. द डिसीजन इज नॉट दैट सिंपल. सो वी फेस टू थ्री मोर लाइक ब्रॉड प्रॉब्लम्स. वन इज प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस, प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रीज, एंड प्रॉब्लम ऑफ द बिगेस्ट ऑफ ऑल, कैपिटल रैशनिंग. पैसा नहीं है तो उतने ही पैसे में अपने को बेस्ट कॉम्बिनेशन लेके अपने को आगे बढ़ना होता है. तो बहुत सारे मेथड्स उसमें चूज करते हैं, जैसे यू कैन टेक वेरियस कॉम्बिनेशंस एंड रैंक देम इन टर्म्स ऑफ 1, 2, 3 कि भाई सबसे ज्यादा एनपीवी हमें किस में आ रही है और कंस्ट्रेंट के साथ. तो थोड़ी सी थ्योरी लिख लो 2 या 3 लाइन की, बिकॉज तुमको कॉन्सेप्ट तो समझ गया है. एक सम करेंगे अपन, विल बी डन. ओके स्टार्ट. वाइल सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स While selection of projects, we face various problems. While selection of projects, we face various problems like mutual exclusiveness. Then complementaries and capital rationing. मुझे तो पर्सनली अगर तुम मुझसे पूछोगे फाइनेंस में ना, तो मुझे तो लगता है जबरदस्ती अगर तुम्हारे पास कैश फ्लो हो भी ना, तो अभी बिजनेस में पैसे का फ्लो नहीं दिखाना चाहिए कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है. हमेशा कंस्ट्रेंट की अगर सिचुएशन बना के रखोगे धंधे में, या रादर मैं उल्टा बोलूं, अगर पैसे का सरप्लस दिखाओगे धंधे में, स्टाफ काम नहीं करेगा, रादर तुम भी काम नहीं करोगे. सो व्हाट विल हैपन? द एफिशिएंसी ऑफ एवरी रुपी इन्वेस्टेड विल नॉट बी प्रॉपर. सो यू इट इज इंटेंशनली यू शुड ट्राई टू मेंटेन अ डेफिसिट इन द सिस्टम, एंड दैट इज हाउ एवरी रिसोर्स विल वर्क प्रॉपरली एंड यू विल बी एबल टू टेक आउट प्रॉपर आउटपुट. So capital rationing is something, if it is not there, then you should create it artificially. That's the only way it works, to be very frank. Okay. So, projects must be selected. Projects must be selected keeping these limitations in mind. Okay,
So we are doing one sum. I don't know which sum is that. Question number 20. Ready? A company is evaluating three investment situations produce a new line of aluminium skillets, expand its existing cooker line to include several new sizes, develop a new higher quality line of cookers. If only the project in question is undertaken, the expected present values and amount of investment are as follows. So investment required and present value. Dekho, kitna paisa chahiyega project 1 mein, 2 mein aur 3 mein aur kitna PV of inflows nikal ke tumhe diya hai. To koi calculation as such hume karni nahi hai. Hume sirf combinations bithane hai. Likha hai, if projects 1 and 2 are jointly undertaken, there will be no economies. Matlab kya hua? Sum of parts. Economies ka matlab kya hua? Agar do cheezon ko jodo to kharcha kam aur do cheezon ko jodo to revenue zyada. They are saying there will be no synergies as such, right? Okay. The investment required and present value will be simply be the sum of parts. With projects 1 and 3, economies are possible in investment because one of the machines acquired can be used in both the production process. The total investment required for the project 1 and 3 combined is 4,40,000. Agar vaise agar अगर सिनर्जी नहीं होती तो कितना लगता 4,70,000. If projects 2 and 3 are undertaken, there are economies to be achieved in marketing and producing the projects, but not in investment. The expected present value of the future cash flows for 2 and 3 is 620. Otherwise, कितना था? 585. If all three projects are undertaken simultaneously, the economies noted will still hold. However, a 1,25,000 extension on the plant will be necessary as the space is not available for all three projects. ठीक है ना? लिखा है what project or project should be taken? मैं तो क्या बोलती हूँ कितने combination बनेंगे? एक project one, एक project two, एक three, फिर one and two, one and three, two and three, and one two three. चलेगा चलो. So combinations, combinations, then outflow, then inflow, then NPV, and then rank. So project 1 and 2 to 1 and 2 aega 3,15,000 aur iska aega there is no synergy kam zyada nahi add karna hai khali kitna 4,75,000 minus 3,15,000 is 1,00,000. 1,60,000 na? Achha, humne alag alag liya hi nahi na? Last me le lenge? Project. Phir aayega 1 and 3. 1 and 3 mein investment aayegi 4,40,000, right? करेक्ट ना और वीए हो जाएगा 690 इनफ्लोस में सिनर्जी नहीं है ना तो ऐड होगा 690 2,50,000 देन प्रोजेक्ट 2 and 3 का आएगा 385
385 इन्वेस्टमेंट में सिनर्जी नहीं है, 6,20,000 2,35,000 then project 1, 2 तो पता है अब क्या होगा, 1 एंड सुनना ध्यान से, 1 एंड 3 का तो आएगा ही 440 और साथ में 2 का ऐड हो जाएगा, मतलब वो लोग तीनों अगर साथ में आएंगे तो 1 और 3 में आएगा इन्वेस्टमेंट में सिनर्जी और 2 और 3 में आएगा इनफ्लो में सिनर्जी नेचुरली। तो बेसिकली इसकी इन्वेस्टमेंट पता है क्या हो जाएगी, 440 लिखने से 1 एंड 3 खत्म, प्लस 1 15 और प्लस 1 25, क्यों दिया है समय, इधर आएगा 6 20 एंड प्लस 290 समझा। दो लाख 30,000 है, सो रैंक 1 विल गो टू दिस कॉम्बिनेशन आई थिंक, रैंक 2 विल गो टू दिस, रैंक 3 विल गो टू दिस, रैंक 4, 5, 6, 7 रेडी गाइस आगे बढ़ते हैं ना थोड़ा, आई थिंक वी आर डन टिल हियर, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग विल बी रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। रिस्क एनालिसिस हो गया ना, ओके सो हेडिंग इज रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। मैं तुमको इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखा रही हूं और तुम, मैं ऑलरेडी वो थ्योरी बोल चुकी हूं कहीं पे, लिखवाई नहीं हूं मैं, लिखवा अभी रही हूं और तुमको मैं जैसे लिखाना चालू करूंगी तुम्हें याद आ जाएगा सारा, और फिर भी अगर नहीं समझेगा तो विल एक्सप्लेन स्टार्ट। इफ द न्यू प्रोजेक्ट, इफ द न्यू प्रोजेक्ट इज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस as existing, use of present KC, use of present KC
is completely fine. Completely fine, but if the new project is in different line of business, is in different line of business, then a new KC must be computed as the risks of two different businesses are not same. बराबर है ना, ये है ना, सुना भी है तुमने पहले? अब इस पे से, क्योंकि डायरेक्टली मैं करवाती हूँ, तुम लिंक नहीं बिठा पाते यहाँ पे. आज तुमको रिस्क एनालिसिस में दो मेथड, पता नहीं हर बुक में अलग अलग मेथड बोलते हैं, अपने तो दो नाम दे देते हैं. एक मेथड होगा CAPM मेथड, जो तुमने निकाला था ना BE, तो तुमने BE निकाला था, BA करके एक वो मेथड होता है. दूसरा फर्म रिस्क होता है. तो बेसिकली वन इज लाइक काइंड ऑफ मेथड्स और दूसरा होता है मेजरमेंट. ओके, तो दो लिख लो यहाँ पे. वी वुड यूज टू ब्रॉड मेथड्स टू एनालाइज रिस्क ऑफ अ प्रोजेक्ट. तुमको ये बात समझ में आती है कि रिस्क को ऊपर नीचे करने का मतलब है अपने डिस्काउंटिंग फैक्टर को ऊपर नीचे कैलिब्रेट करना. ये समझता है तुमको? क्योंकि अगर तुमको लगता है तुम्हारे कैश फ्लोज ज़्यादा रिस्की हैं, तो अपने डिस्काउंटिंग फैक्टर को बढ़ाओ. किस लॉजिक से बढ़ाओगे, बात वो हो रही है. इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग, आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो बेसिकली रिस्क इनकॉर्पोरेशन, रिस्क एनालिसिस, रिस्क कैलिब्रेशन and analyze, whatever you call it, it's basically trying to match your cash flows and your discounting factor. Usi ko risk analysis bolte hain. To tumhare pure ke pure portion mein ye bahut aasan part hota hai, matlab main bahut speed se pull, and the way your batch has been behaving, matlab completely ruckus free, so all the more it becomes like that we have to just read the sum and do a solution. But apparently you are understanding everything in the right perspective. So दिस पोर्शन अगर पेपर में, मैं तुमको एक्चुअली कैपिटल बजटिंग पढ़ा ही रही हूँ इस वाले पार्ट पे, कि भगवान करे कि ये वाला इस बार इसी पार्ट में से आया था. बहुत सिंपल सा सम था, डेटा दिया था, प्रोबेबिलिटी दी थी, और तुमको निकालना था बेसिकली एवरेज और रिस्क निकालना था. अपने बच्चे पोर्टफोलियो पढ़ने के बाद वैसे भी दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग स्टैटिस्टिक्स बेटर, तो दे आर एबल, यू विल बी एबल टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट एनी वेयर. डेटा वैसा तुमको मिलना चाहिए खाली, वो बात हो रही है. ओके, तो यहाँ पे दो मेथड ले रही हूँ. एक होगा नाम CAPM मेथड, CAPM मेथड, और यहाँ पे अपन क्या यूज़ करें, एसेट बीटा कॉन्सेप्ट. याद आया एसेट बीटा कॉन्सेप्ट? यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन दैट कॉन्सेप्ट? नो. एसेट बीटा कॉन्सेप्ट एंड नंबर बी फर्म रिस्क. ओके, फॉर्म रिस्क. चलो स्टार्ट कर रही हूँ. नंबर वन, प्रोजेक्ट बीटा और एसेट बीटा कॉन्सेप्ट, देयर विल बी अ यूज ऑफ व्हाट? CAPM, है ना? दो लाइन लिखा देती हूँ यहाँ भी. अंडर दिस वी आइडेंटिफाई प्रॉक्सीज एंड
identify proxies and their BE with the help of proxy BE, we compute what? What do we compute, guys? Asset beta BA? Asset beta BA and leverage the beta with relevant what? Financial risk. Correct na? Yaad aa raha hai tum logo ko? I think I relate to it, right na? So BE equal to BA 1 plus D by E 1 minus D. Here, as I had told you earlier also, this is your business risk. Equity chapter mein padhaya hai, wahan pe jaake check karo. Or this is your financial risk. To proxy ka BE uthayenge, uska financial risk ko hatayenge, BA nikal jayega. वो आइडेंटिफाई करे हुए बीए में अपना फाइनेंशियल रिस्क लगा करके अपनी कंपनी का इक्विटी बीटा बनाएंगे, आरएफआरएम मॉडल में डालेंगे, मिल गया बीटा ऑफ इक्विटी. हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इट हैज नॉट बीन टू लॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 16 करना है अपने को, बट आई वुड आस्क एंड रिक्वेस्ट यू टू रीड द सम ऑन योर ओन. Okay, I read the sum for you. X Limited presently operates in a cement industry with a debt equity ratio of 2:1. Its cost of debt and equity are 13 and 17 respectively. It is subject to a tax rate of 30%. It feels that the growth rate in the cement business is going to be low or moderate. It therefore decides to strategically diversify into the new emerging biotech sector. The projected cash flows from the long-term funds point of view. ये लोग क्या सोच रहे हैं? सीमेंट से चले जाते हैं बायोटेक में. तो बायोटेक के तुमको पता है कैश फ्लोज दे रखा है बायोटेक का. तो बायोटेक के कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए रेलिवेंट केस चाहिए, केस ही चाहिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू बोला है ना सब में. तो केसी के लिए तुमको दो आइटम चाहिए, एक तो केडी और दूसरा केई. तो केडी तो बैंक दे देगा, बराबर है, और केई हम एसेट बीटा कॉन्सेप्ट से प्रॉक्सी आइडेंटिफाई करके निकाल लेंगे. द अमाउंट ऑफ 170 crore इज टू बी फाइनेंस्ड बाय इक्विटी डेट इक्विटी ऑफ 3:1. मतलब ये हो गया 3/4 एंड 1/4 वेट्स दिए हुए है ना, तुम ऊपर वाले में मत फंस जाना. देन लिखा हुआ है टर्म लोन लेंगे 16% के रेट पे. टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ इक्विटी इन बायोटेक बिजनेस टू प्रॉक्सी फर्म्स दैट इज भारत बायोटेक एंड ग्रैन्युलर बायोटेक हैव बीन आइडेंटिफाइड. The details are given below. देखो यहाँ पे दोनों का डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है और इक्विटी बीटा भी दिया हुआ है. बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ असेट्स इट इज कंसिडर्ड प्रूडेंट टू असाइन 70% वेट टू बी एंड 30% वेट टू जी. आर एफ आर एम दिया हुआ है, एनपीवी निकालना है. एक्चुअली तुम्हें सम समझ गया है, फ्लो नहीं पता चल रहा है कहाँ से चालू करना है, यही होता है ना. तो बताओ क्या करना चाहिए. सबसे पहले अपने को बीए निकालना चाहिए ना दोनों का. दोनों का बीए निकालेंगे, वेट्स में डालेंगे तो एवरेज बीए आ जाएगा. फिर अपना डेट इक्विटी रेशियो लगा करके डी बीई निकाल लेंगे, आरएफआरएम लगा करके केई निकाल लेंगे,
वेट्स और केटी लगा करके कैसे निकाल लेंगे, ये तो करना है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16. कंप्यूटेशन ऑफ एसेट बीटा ऑफ प्रॉक्सीज. सो बी बी ए 1 प्लस डी बाई ई 1 माइनस टी. सो फॉर भारत में कैन आई राइट हियर 2.20 बी ए 1 प्लस 2.5 बाई 1 इंटू 1 माइनस 35%. पॉइंट सिक्स फाइव इंटू टू पॉइंट फाइव प्लस वन. आई एम गेटिंग 0.84. पॉइंट एट फोर फॉर ग्रैन्यूलर. वन पॉइंट नाइन बी ए 1 प्लस 4 बाई 1 इंटू 1 माइनस 32%. पॉइंट फाइव वन. यस एवरेज बी ए राइट. पॉइंट सेवन इंटू पॉइंट एट फोर प्लस पॉइंट थ्री इंटू पॉइंट फाइव वन. कितना है? पॉइंट यस 0.741. तो ये तो बिजनेस रिस्क आ गया ना, याद आया क्या? अब इसमें अपना फाइनेंशियल रिस्क एडजस्ट करते हैं 3:1 का. ओके, सो बी ई विल बी 0.741 ब्रैकेट्स ओपन देन 1 प्लस 3 बाय 1 करेक्ट ना, 1 माइनस इन लोग का टैक्स रेट कितना है 30. नहीं यहाँ तो 3:1 ही होगा ना, डी बाई ई है ये तो. ओके, तो 1 माइनस 35% 30 आएगा. कितना रहा है? 2. आ गया ना. नाउ के ई, डू यू वांट टू राइट फॉर्मूलाज एंड ऑल नाउ? नो, वी कैन जस्ट बी थोड़ा सा मोर एफिशिएंट. सो आर एफ 8 है, रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है 7, तो 2.297. ट्वेंटी फोर पॉइंट जीरो एट. KC will be 3 by 4 into 16, 1 minus 30% plus 1 by 4 into 24.08. फोर्टीन पॉइंट फोर टू
अब ये डिस्काउंटिंग रेट को यूज़ करके और एनपीवी निकाल देंगे कैश फ्लोज की. तो ईयर कितना नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव. एनपीवी निकाल देते ना यहाँ पे 18 पॉइंट. माई ऑल द डेटा इज करेक्ट? आई थिंक इट्स गड़बड़ है क्या? स्टूडेंट डायरेक्टली ओनली स्टिल फॉर पॉइंट्स का फर्क है क्या? थर्टी फाइव आ रहा है. एटीन पॉइंट सेवन सिक्स. ये ठीक है, नेगेटिव आएगा. हाँ तो अपने क्या एडवाइस करें भाई, तुम लोग ना सीमेंट पे ही फोकस करो, बायोटेक तुमसे नहीं हो पाएगा. करेक्ट ना? सो वी एडवाइज द फर्म टू concentrate on cement only ओके. सो आई थिंक दिट वॉज अ गुड पार्ट दैट वी सेव टाइम अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी में कर लिया था तो अच्छा हो गया, काम ही खत्म हो गया. पहले ऐसा नहीं था, पहले कैपिटल बजटिंग में ही अपन पढ़ते थे क्योंकि न्यू ओल्ड का चक्कर नहीं था. अभी क्या हो गया है कि न्यू वाले जो बच्चे जो आज तो नहीं आए हैं लेकिन ये कॉन्सेप्ट इक्विटी में उन्होंने डाल दिया है, तो मुझे इसलिए मैंने वहाँ पर पढ़ा दिया था कि नए वाले बच्चों का तो कवर होना चाहिए. सो इट वॉज अगेन फॉर अस. नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ फर्म रिस्क. सो इन फर्म रिस्क गाइस आई विल गिव यू अ चार्ट हियर. एक चार्ट आएगा और चार्ट पे हर टॉपिक को उठाते हुए सारे सम तुमको ख़त्म करने हैं. ओके तो अपने को ट्राई ये करना चाहिए कि अभी 11:30 बजे ना, तो हाउ मच टाइम, 3 आवर्स में वो पूरा चार्ट के जितने क्वेश्चन हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए. आइडियली रेगुलर बैच में हो जाता है, तो अगर रेगुलर में हो जाता है तुम्हारे में भी आराम से होना चाहिए. हाँ उसमें 3.5 घंटे लगते होंगे बट हो जाता है यूजुअली, बच्चे अगर अच्छा बिहेव करते हैं तो. तो फर्म रिस्क
ओके फाइन. सो यहाँ पे नाम कुछ भी दो, सब पे सम बनता. मैंने अपने लिए चार्ट बनाया था कोई दिन कोई समय पे, क्योंकि पता ही नहीं चलता था कैपिटल क्वेश्चन में कहाँ से कुछ भी, जब बार बार कोई क्वेश्चन आता रहता है. तो जब मैंने ये प्रोफाइलिंग कर दी ना, तो सम देख के पता चलता था अच्छा ये वाला ऐसे होगा सम. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू फ्रॉम द एग्जाम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एक का नाम है रिस्क प्रोफाइल मेथड्स, रिस्क प्रोफाइल मेथड्स सारे आ जाएंगे. इसके बाहर पूछ नहीं सकते हैं, उनको उनको भी नहीं पता चलेगा. इसमें मैंने तीन पार्ट पे डिवाइड कर रखा है. एक का नाम है सीईसी मेथड, सटैनिटी सटैनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट मेथड, इन शॉर्ट वी कॉल सीईसी मेथड. वेरी वेरी इजी ऑल ऑफ देम. इसको भी तीन पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं अपन. मैक्सिमम रिस्क प्रोफाइल मेथड्स, सो तीन पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है. एंड डोंट गेट वरीड कि अरे इतना सारा पढ़ना है, अगर तुमको मैं नहीं बताऊंगी तो तुमको पता ही नहीं चलेगा है क्या वो, राइट. सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी of negative NPV, maximum coefficient of variation, maximum coefficient of variation. उसके बाद risk profile, अभी अच्छा ठीक है चलेगा. रिस्क प्रोफाइल टेबल, ठीक है. रिस्क एडजस्टेड, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड, और वी कॉल इट एज RADR. सोच रहे मैम बोल रही 3 घंटे में हो जाएगा, बट जस्ट करना चालू करेंगे ना फटाफट होगा. ये दूसरी हेडिंग आ रही है मेजरमेंट ऑफ रिस्क, मेजरमेंट ऑफ रिस्क. तुमको सच्ची बात बोलूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि एट नॉर्मल रिस्क एनालिसिस का सम इस बार आया था वैसे, लेकिन मुझे लगता है एडवांस में से आने के चांसेस ज़्यादा हैं. एडवांस में वो पढ़ते हैं ना अपन सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड ऑल, वो सब आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, उसमें सम स्टफ भी बनते हैं थोड़े. हाँ ओके. सो हियर ओके मॉडरेटली को रिलेटेड कैश फ्लोस मेथड इज पाथ मेथड, देन परफेक्ट को रिलेटेड कैश फ्लोस इज हर्ट्ज मेथड. मिस्टर हर्ट्ज है वो, मिस्टर पाथ नहीं है. लेकिन नॉन को रिलेटेड कैश फ्लोस एंड वी यूज हिलियर्स मेथड. तो ये पूरी जो चीज है, सो हाउ मेनी सम्स आई टेल यू, 1, 3, 4, 5, 8 सम्स ऑल इन ऑल.
चालू कर दें, चलो सबसे पहले हेडिंग दे दो, सैटर्निटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट मेथड। चलो ना गाइस, आप रेडी ना? हाँ जी। We do not have a sum of CEC in the sheet, so I'll write the sum fatafat. Start. Satanity equivalent coefficient method of coefficient method or CEC method, okay? Fine. So now, suna dhyan se. So samjho ki CC kya hota hai? Jo cash flows hote hain na, jo cash flows hote hain, wo future ke hote hain. Ye to pata hai project mein. Agar tum aaj project laga rahe ho, to tumhare paas jo cash flows diya hua hai, wo to future ke cash flows hai. To future ke cash flows kya hai? Certain kya? Non-certain. अनसर्टन है। अगर अनसर्टन है तो अगर उसमें से मैं तुमको बोलूँ, सपोज तुमने बोला कि मैम एग्ज़ाम दे के तुम आए, बोले मैम मेरा हो गया एग्ज़ाम, अच्छा हुआ, ठीक है, कितने मार्क्स आएंगे तेरे को? तो मैम मेरे को लगता है कि 90 आ जाएंगे, ठीक है, तो लगता है, कन्फर्म नहीं हो, तो शायद किसी बेसिस कोई एक सम पे दिमाग अटका है या कुछ तो भी है, तुमने पक्का पता ना कितना एग्जैक्ट इतना तो आ ही जाए तेरा, तो बोलते मैम 90% चांस है कि 90 आ जाएगा, तो कितने आने के चांस हैं? 84, यानी कोई एक सम पे तुम्हारा शायद अटका हुआ है, तो 80 के आसपास तुम्हारा पक्का आ जाएगा, बाकी 80-90 वाला पार्ट क्या है? अनसर्टन। तो सी वो जो तुमने 90% लगाया ना 90 मार्क्स को, वो 90% को बोला जाता है सीईसी, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट। सो व्हेन दैट सीईसी इज अप्लाइड टू एन अनसर्टेन डेटा, दैट डेटा बिकम्स सर्टेन। Now what I'm asking you is that ki if your data becomes certain, then you will discount with a risk adjusted rate or RF. Risk to tumne nikal diya na usme se, to jo data hai wo risk free ho chuka hai, to tum discounting uske kisse karoge, KC se ki RF se? RF se. Main isliye bol rahi hu ki hame pata nahi hai, ho sakta hai exam mein dono de de tumko time pass karne ke liye, to tumko wo cheez mein dhyan dena padega, kyunki CC method mein by default apan RF ही यूज़ करते हैं। रादर अब जो पोर्शन चालू हुआ है, इस पूरे पोर्शन में RF का ही एप्लीकेशन होता है पूरी जगह। ओके, राइट डाउन अंडर दिस वी कन्वर्ट द अनसर्टेन कैश फ्लोस The uncertain cash flows into certain with the help of CEC coefficient, with the help of CEC coefficient, since the cash flows are certain, the discounting would be done at RF and not KC, right now? So NPV bar, बहुत एक्चुअली तुम आज तक NPV निकालते रहे हो, एक्चुअली वो NPV होना ही नहीं चाहिए, NPV bar होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने आज तक जितने सम देखे हैं सारे सम्स में एक एक कैश फ्लो हर साल का दिया हुआ, ऐसा पॉसिबल है? रादर हम ये सोचते हैं कि अगर पहले साल में मार्केट में कॉम्पिटिशन नहीं आया, और अगर आ गया, और आया तो ताकत के साथ नहीं आया, तो तुम्हें नहीं लगता सारे सिनेरियोज में मेरी मार्केट प्राइस, सेलिंग, एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट वगैरह चेंज होता जाएगा, जो कि आज मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती हूँ। तो मैं बोलूँगी 10,000 होने का चांस 50% है, 15% होने का चांस इतना। आर गेटिंग द पॉइंट? सो योर कैश फ्लोज आर नॉट कैश फ्लोज, दे आर CF बार।
बिकॉज योर कैश फ्लोज आर डिपेंडेंट ऑन सर्टन इवेंट्स. तो सिंस वो इवेंट्स होंगे कि नहीं होंगे वही आज पता नहीं है, तो तुमने हर साल के कैश फ्लो को डिस्ट्रीब्यूशन में डालना पड़ेगा विथ प्रोबेबिलिटीज. तो वेन यू हैव सी एफ बार वन, सी एफ वन बार टू एंड सो ऑन, तो वेन योर सी एफ आर एवरेज, योर एनपीवी विल ऑल्सो बी एन एवरेज. गॉट द पॉइंट? सो हियर एनपीवी बार विल बी इक्वल टू सी एफ वन बार इन टू एल्फा वन प्लस आर एफ सी एफ टू बार इन टू एल्फा बाई वन प्लस आर एफ होल स्क्वेयर एंड सी एफ थ्री बार इन टू एल्फा वन एल्फा टू एल्फा थ्री नहीं लेना चाहिए, एन लेना चाहिए, राइट? सी एफ एन एल्फा एन बाई वन प्लस आर एफ रेस्ट ऑफ द पावर एन, गाइस करेक्ट ना? वेयर सी एफ बार इज वॉट? एवरेज कैश फ्लोस. And alpha is your CEC. अब तुम समझा मैं क्या कर रही हूं? अब तुम एवरेज कैश फ्लो जो तुमने निकाला है वो तो रिस्क वाला ही है ना, तो उस रिस्की कैश फ्लो को नॉन रिस्की बना दो सैटानिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके. वो तुमको सम में या तो देंगे या तुमको कोई डेटा देंगे जिसे तुम्हें कंप्यूट करना पड़ेगा. चलो एक सम बनाते हैं अपन ऑन द स्पॉट. एग्जाम्पल X Limited has projected following cash flows year 1 CF probability 10,000 पॉइंट फाइव, 20,000 पॉइंट फाइव, ईयर टू सी एफ प्रोबेबिलिटी. सो ये हो जाएगा, मान लो कितना ले लें, 15,000 पॉइंट थ्री, 25,000 पॉइंट फोर एंड 30,000 पॉइंट थ्री. देन अगेन ईयर थ्री सी एफ प्रोबेबिलिटी अगेन 30,000 इज पॉइंट थ्री एंड 50,000 इज पॉइंट सेवन, राइट ना? इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी 50,000. यहाँ मैंने माइनस आई नहीं लिया ना, देखो यहाँ पे ये माइनस आई आना चाहिए ना यहाँ पे. तो वो समझा मैं क्या बोल रही हूँ? तुमने सिर्फ पीवी ले लिया ना उसका, माइनस आई करेंगे तब तो एनपीवी आएगा. ऊपर माइनस आई कर दो प्लीज. हाँ, अल्फा टी विल बी 1 माइनस 0.05 टी. KC equal to 16%, 16.6% risk premium. देखो मैं कितना कॉम्प्लिकेट करती जा रही हूँ तुम्हारे सामने को. Compute NPV by CEC method. I'm avoiding writing the long, long names. इसमें तुम्हें पहले तो निकालना पड़ेगा सी एफ वन बार, सी एफ टू बार एंड सी एफ थ्री बार. फिर निकालना पड़ेगा अल्फा वन, अल्फा टू एंड अल्फा थ्री. फिर केसी में से रिस्क प्रीमियम को हटा करके बनाना पड़ेगा आर एफ.
Yes? Start. Solution. CF 1 bar plus 20,000 into 0.5, 15,000. CF 2 bar is 15,000 into 0.3, 25,000 into 0.4, and 30,000 into 0.3. 4500. कितना आ रहा है? 23,500. CF3 bar will be 30,000 into 0.3, 50,000 into 0.7. Forty-four thousand. Correct? Now you know alpha 1 hoga 1 minus 0.05 into 1, ye ho jayega 0.95. Jaise jaise samay dur jayega, CC kam hota jayega. Ha na? Jaise jaise samay aage aage jayega, satanity kam hoti jayegi na? Alpha 2 will be 1 minus 0.05 into 2. So T ka matlab 1 hua. Aur ye ho jayega 0.90. Alpha 3 will be 1 minus 0.05 into 3 is 0.85. This equation takes care of that, right? Jaise jaise samay dur jayega, tumhari satanity ka prediction karne ka aur tumhari jo ability wo aur kam hoti chali jayegi. So now here, computation of RF. I think guys, after learning so much, I think you are very comfortable with the concept of, we need to discount na? KC ke andar pura hai na, sab kuch hai. To risk premium wala jo component, agar wo discount kar dun, to RF aa jayega. Correct na? Yaad nahi tumko, maine forex se padhaya tha, teen cheezon hoti hai. Real RF. Dadaya, inflation premium and risk premium, right? So, I have given you three, right? In KC. This is your KC. If you remove the RP wala part, what will happen? Nominal RF. And nominal is nominal chahiye, because cash flows are nominal. How do you know? It's not written, right? Real RF, real is written? No, it's nominal. That's same concept. So, can I write here? RF will be, dhyan dena. 1.166 by 1.06 minus 1 into 100 by short you'll get 10%. So the all the three is like 16.6. Usme se RP wale part ko discount karke nikal do. Minus karoge na to compounding ka effect wo 0.6 nahi hatega. Agar discount karoge to pakka 10 aa jayega tumko. So NPV bar is equal to 15,000 into 0.95. मैं formula नहीं लिख रही हूँ वापस से. चलेगा ना? Divide by 1.10, then 23,500 into 0.90 divided by 1.10 whole square. Then plus 44,000 into 0.85, the whole divided by 1.10 cube minus 50,000. Yes,
8533.06. So this is, that is your certain NPV, basically we can say. That's a certain NPV, right? अच्छा, मैंने सम को थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया दो जगह पे. अल्फा डायरेक्टली नहीं दिया और तुमको रेट में भी परेशान किया थोड़ा सा. तो रेट में परेशान करी हूँ ना, तो तुम्हें याद रह जाएगा अब कि आरएफ ही चाहिए. अगर तुमको डायरेक्टली आरएफ देकर सम करवा देती, तुम्हारे दिमाग से स्किप हो जाता. चलो स्टार्ट करें अगला. रिस्क क्या लिखा था, नेम, व्हाट इज द नेम, रिस्क प्रोफाइल मेथड्स, मैक्सिमम. चलो और एक ही थ्योरी लिखूंगी और तीन सम फटाफट खींच डालेंगे, ठीक है. मैक्सिमम मैक्सिमम रिस्क प्रोफाइल मेथड्स, मैक्सिमम रिस्क प्रोफाइल मेथड्स. अभी क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज है सपोज करो, तो वो कंपनीज का टॉप मैनेजमेंट होता है, मीडियम मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और लोअर मैनेजमेंट होता है. तो टॉप मैनेजमेंट के लिए पॉसिबल है क्या कि रोज के 100 प्रोजेक्ट का एनालिसिस करेंगे फिर डिसाइड करेंगे? तो ये लोग क्या बोलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट को, क्या बोलते हैं, कुछ बना के देते हैं कि भाई इतना होगा तो ले लेना, वरना जैसे अपन चालनी में चालते नहीं है क्या, कोई चीज़ तुम डाल दो उसमें, भाई ये इसमें सूट हो रहा है तो रख लो बाकी निकाल दो. तो क्या चीज़ देते हैं, रिस्क का थ्रेशोल्ड. इससे ज़्यादा अगर हुआ तो लेना, कम नहीं, मतलब इससे ज़्यादा होगा रिस्क तो मत लेना, या इससे ज़्यादा रेवेन्यू होगा तो लेना, वरना हमें चाहिए ही नहीं. तो वो वाले जो बेंचमार्क्स बना के तुम्हारे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को देते हैं, वो वाले हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. तो मैंने एक लिखा है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव एनपीवी, मतलब कितनी नेगेटिव होगी तो हम ले लेंगे वरना हम रिजेक्ट कर देंगे. मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एसडी बाय मीन, इतना होगा तो लेंगे, नहीं तो इसके ऊपर अगर होगा तो ज्यादा रिस्की है, मतलब हमारा पोर्टफोलियो और रिस्की हो जाएगा, ये बात है. देन रिस्क प्रोफाइल टेबल, तुमको हम रिस्क प्रोफाइल टेबल बना के दे रहे हैं, इतना मीन के साथ में इतना ही एसडी चाहिए, इतने मीन के साथ इतना ही एसडी चाहिए, मैच करके देख लो, अगर सूट हो रहा है तो ठीक है वरना रिजेक्ट कर दो. तो उसमें से छांट छांट के अच्छे अच्छे लोग लेके आते हैं, मिडिल को दिखाते हैं, मिडिल वाला फिर उसको छांटता होगा और फिर जो बेस्ट दो चार होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट को प्रेजेंट किया जाता है. आई थिंक यू गॉट द लॉजिक, राइट? सो आई जस्ट गिव यू टू लाइंस हियर, देन स्टार्ट सम्स वन बाय वन. अंडर दिस the management, under this the management provides the threshold of risk acceptance and each project has to through and each project has to go through the process of selection. Number A, मैक्सिमम, एक साथ लिख के तीन सम करेंगे अपन, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव एनपीवी. बी, ये कोई टॉपिक नहीं है गाइस, मैंने जो सम की बिहेवियर देखी है ना उसको नाम दे दिया है. ओके, सो मैक्सिमम कोएफिशिएंट
of variation, then see risk profile table. Risk profile table. Once I start doing the sum, you will get to know everything. मतलब भाई हमको इससे ज़्यादा negative NPV का इससे ज़्यादा chance नहीं चाहिए. For example, I don't want that the maximum probability of negative NPV should be only 10%. तो अगर probability of negative NPV 10 से ज़्यादा आएगा तो क्या करेंगे? Accept or reject? Reject. So three sums back to back representing all the three categories. There is nothing theory as such because there is, you understand exactly. So we are doing question number, I tell you, 18 करेंगे, 19 करेंगे और 21 करेंगे. तो तीनों खत्म हो जाएगा. Question number 18. The cash flows of the project are not certain. The cash flows of the project are not certain naturally. The probability distribution of the NPV. देखो कितने सारे NPV दिख रहे हैं तुमको? तुमको दिख रहा है कितने सारे? तुमने अब तक जिंदगी में एक ही NPV देखा है. अभी पहली बार ऐसा आया है कितने सारे NPV है. और इतने सारे NPV क्यों आते हैं तुमको अभी 10 आधे घंटे के बाद पता चल जाएगा कि तुम उतने NPV निकालने वाले हो. तुम कैसे जा रहे हो नीचे? तुम पहले एक NPV देखे, फिर कह रहे बहुत सारे NPV आ गए. अब उसके और नीचे जाओगे तो देखोगे कि दिस क्या हो रहा है. अगर ये कैश फ्लो हुआ तो NPV अलग हो जाएगी. अगर ये कैश फ्लो का डायरेक्शन हुआ ब्रांचेस तो अलग NPV हो जाएगा. अगर ये ब्रांच गई तो NPV तीसरा हो जाएगा. समझ आ रही है बात? तो जो तुम अब तक अपन कैलकुलेट कर रहे थे वो एक ही NPV था. दैट मीन्स दे हैड ऑलरेडी गिवन यू एवरेज कैश फ्लोस. सब कुछ एवरेज करके तुमको दिया हुआ था और बोल के तुम एक आंसर निकाल दिए. अब तुम और नीचे 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 बेस लेवल पे जाते जा रहे हो एंड यू कैन सी द आंसर बेटर. तो दे हैव गिवन यू इतने सारा एनपीवी होने का चांसेस है एंड विद द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, राइट? तो मैं तो जब भी देखो ना तो मुझे मन ऐसा मन से मोटिवेशन होता है कि जल्दी से इसका मीन निकाल दो. क्यों चाहिए वो पता नहीं है फिलहाल. तो पी एक्स करेंगे और क्या करेंगे? पी एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा. क्यों चाहिए वो पढ़ते हैं. The management has decided to accept the project only if the coefficient of variation of the project is at most 70%. ठीक है? Decide whether to accept the project or not. Hold करना. सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि coefficient of variation निकालने के लिए data क्या चाहिए? Standard deviation and mean. अब project management पढ़ाई कर रहे हो तो mean किसका? NPV का. डेविएशन किसका? एनपीवी का. अगर पोर्टफोलियो पढ़ते तो मीन किसका? रिटर्न का. डेविएशन किसका? रिटर्न का. इक्विटी पढ़ोगे तो मीन किसका? स्टॉक प्राइस का. डेविएशन किसका? उसकी प्राइस का. बॉन्ड का चैप्टर पढ़ोगे तो मीन किसका? बॉन्ड प्राइस का. और डेविएशन किसका? बॉन्ड की प्राइस का. आई थिंक यू आर गेटिंग अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ व्हाट एग्जैक्टली. करेंसी पढ़ोगे तो रुपी पर डॉलर का एवरेज रेट, मीन रेट, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट याद है अपन? अगर उसका तुम पीएक्स निकालते तो क्या आ जाता? एवरेज स्पॉट रेट निकाला ही हमने राधा. अगर उसकी डेविएशन निकाल लेते तो क्या आ जाता? डेविएशन फ्रॉम योर आंसर. सो मोर और लेस द कॉन्सेप्ट आर अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट. आई टेल यू अगेन, डिपेंडिंग ऑन द एसेट यू आर स्टडिंग योर कॉन्सेप्ट विल बी आंसर का लैंग्वेज तो चेंज करेगा ना. तुम कैपिटल बजटिंग में हो तो पोर्टफोलियो का रिस्क रिटर्न थोड़ी ना नाम देंगे अपन यहाँ पे. एनपीवी एनपीवी ही बात होगी. आई थिंक गॉट इट एग्जैक्टली. यस ना? चलो स्टार्ट. तो लिखेंगे अपन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल बी एसडी बाय मीन. ठीक है? और तुम ना ध्यान देना प्लीज, बहुत छोटी सी बात बोल रही हो. उन्होंने 70% दिया है ना, इसका मतलब अपने डेटा में 100 मल्टीप्लाई किया होगा, है ना? वो ध्यान देना. अगर 0.7 बोलता तो नहीं किया है. तो तुम अपने फॉर्मूला को वैसे ही कस्टमाइज कर लेना थोड़ा. यहां पे इंटू 100 करेंगे? नहीं करना पड़ेगा, है ना? इंटू 100. तो हियर एसडी विल बी सिग्मा ऑफ एनपीवी डिवाइड बाय एनपीवी बार इंटू 100.
100. So NPV is your X minus 500, then 1000, then 1400 and 1500. Probability 0.3, 0.4, 0.2 and 0.1 PX and P X minus X bar whole square. Chalo jao. Do you need my help or something? No. डेटा बहुत बड़ा आएगा और मैं कुछ कर नहीं सकती. Is it understand? Nothing, na? Minus 500, minus 680 average. This is your X bar, na? X minus X bar. Haan, square na multiply the probability. Portfolio nahi hua hai kya? Haan, that is why. Kitna raha total? Is it 629, 600? Yes. 629, 600. Normal, na? Deviation nikal rahe. X minus X bar whole square. And then multiply with the probability. When you total, you will get an average deviation. Huh. So NPV bar is summation of PX equal to 680. Deviation of NPV will be summation of PX minus X bar whole square and root. So 629,600 ka root is 793.47. So bahut jyada hai to. 680 kamayenge aur 793 jaane ka chance to ghar var bechna padega. Balance cover karne ke liye. So coefficient of variation will be 793.47 by 680 into 100. Imagine 116.69%. That means 16.69 will go from your home. You want to do such a project? उनका थ्रेशोल्ड क्या है? 70. उनको 70 से ज़्यादा डेविएशन चाहिए ही नहीं. और तुम्हारा जा रहा 100 के ऊपर. तो क्या करें? रखें कि रिजेक्ट करवा दें? रिजेक्ट. What is the maximum coefficient of variation you would be ready to accept? 1. जो कमाया वही गवाया. ज़्यादा गवाया तो घर. You have to pay from home then. So the maximum coefficient of variation in a normal scenario has to be only 1. You earn 100, lose 100. Since the risk of the project is greater than stated, it should be rejected.
Okay. So now the next one is what? Maximum probability of heading. ऐसा मैंने कुछ नाम तो नहीं दिया ना? चलेगा normal. Question number 19. वहाँ नाम तो ऊपर दे चुके हैं अपन. We already given a heading there, ना? So question number 19. देखो ये थोड़ा short चलेगा तुम्हारा. ज़्यादा मुश्किल नहीं है. Suppose in the problem, मतलब data ऊपर वाला ही use करना है तुमको. 18 number sum वाला ही. Suppose in the problem it is given that management has decided to accept the project if the probability of negative NPV is at most 15%. Use normal distribution. अब ध्यान देना. अगर normal बोला तो normal का curve आना चाहिए. तो center क्या होगा तुम्हारा? कोई बोलो please. What is the center? Your center. Z का center is zero. What is your center? Upar ka data mein mu na, center, average na. So mu will be what? 680. And sigma will be what? 7. Samjha main kya bol rahi hu? Correct na? 793.64. 47. Okay. So basically ye log kya bol rahe hain? Center tumhara 680 hai, right? और मान लो कि ये जीरो है. अज्यूम कर लो ना ये जीरो है तुम्हारा. चलेगा? तो मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव एनपीवी. तो तुम कहीं ना कहीं जीरो के नीचे वाला एरिया मांग रहे हो. समझा सबको? यस. यू आर आस्किंग फॉर एन एरिया विच इज लाइक लाइंग दैट साइड दिस वन ना. यू आर आस्किंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन राइट. तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो एक्स तुम्हारा क्या हो गया? जीरो. मतलब बेसिकली 680 से जीरो निकल जाएगा तो तुम्हारे नेगेटिव जोन में पहुंच जाओगे और क्या. राइट. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ z इज इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा. सो जीरो माइनस मतलब 680 खत्म हो गया. देन यू विल गो टू व्हाट? नेगेटिव जोन ओनली. सो जीरो माइनस 680 डिवाइड बाय 793.47 कितना आया? 0.86 माइनस 0.86 कर देते हैं. तुमको कौन सा एरिया चाहिए गाइस? लाल वाला. रेड वाला एरिया चाहिए ना. तो अगर अपन टू टेल टेबल में देखें क्योंकि अपनी वैल्यू नेगेटिव है तो 0.5 माइनस टेबल वैल्यू. तो क्योंकि टेबल से तुमको वैल्यू मिलेगी कौन सी वाली? तुमको टेबल से ये वाली वैल्यू मिलेगी. यस. तुम्हारा पूरा 0.5 है. ब्लू वाला एरिया निकाल टेबल से मिल जाएगा. अगर अपन माइनस करेंगे तो अपन को नेगेटिव वाला मिल जाएगा. आई यू गॉट इट रा. तो जब भी तुमको बोलेंगे ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव एनपीवी देन एक्स विल बी ऑलवेज जीरो. मतलब 680 पे चल रहे हैं अपन एवरेज और जीरो के नीचे गिरा दो तो मतलब 680 से जीरो का डिफरेंस इज व्हाट? माइनस 680. एंड देन यू विल बिकम व्हाट? यू विल मूव इनटू द नेगेटिव जोन. दैट्स हाउ यू टू इंटरप्रेट इट. So please tell me the table value now in a two-tail table, right? In a two-tail table, it will be 0.5 minus table value. So what is the table value for 0.86? 0.3051. कितना है? 0.1949. ठीक है ना? ओके. सो कैन वी से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव एनपीवी इज हाउ मच? 19.49%. नाउ यू लुक एट द सम्स. नो, तुम्हें हेडिंग के नीचे आया तो अब तुम्हें याद रह जाएगा. और रैंडम अगर मूव करोगे कि ये भी समय है, ये भी कैपिटल बस्टिंग का सम, सब तो कैपिटल बस्टिंग ही है. सो हेडिंग के हिसाब से जाओगे तो तुम्हें अब याद रहेगा कि ऐसा समय आएगा तो हमें डायग्राम बनाना है सेंटर में. और एक और बात, आई होप ये बात तो मुझे नहीं बोलनी चाहिए इस लेवल पे आकर के. डेटा मैंने जानबूझ के ऊपर का यूज किया, लेकिन अगर डेटा नहीं होगा तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा. डू यू नो दैट? दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट? म्यू एंड सिग्मा. है ना? ये चीज का ध्यान देना. वो तो मैंने थोड़ा सा कंफर्ट के लिए, थोड़ा जल्दी मूव करने के हिसाब से ज्यादा वैरायटी कवर हो सके. सो सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव एनपीवी इज हाउ मच? 19.49%. और हमें चाहिए कितना? 15. तो ये तो अपने वापस ब्रीच कर रहा है. ये इन लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को जीरो
नेगेटिव एनपीवी का चांस 15% से ज्यादा नहीं चाहिए, बट द गिवन प्रोजेक्ट इज पोजिंग अ थ्रेट अप टू 19.49 एंड हेंस वी विल नॉट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव एनपीवी इज 19.49%, विच इज greater than, which is greater than required, we reject the project. जिसमें थोड़ी सी भी शंका हो वो काम नहीं करने का. ओके, पढ़ूं आगे. अपन करें थर्ड 21 नंबर सम. क्वेश्चन नंबर 21, द मैनेजमेंट हैज डिफाइंड इट्स मैक्सिमम रिस्क प्रोफाइल. 21 नंबर सम में द मैनेजमेंट हैज डिफाइंड द मैक्सिमम रिस्क प्रोफाइल विच शोज द मैक्सिमम एसडी of the profitability index which is acceptable for a particular expected value of the index. This is shown below. देखो मैनेजमेंट ने यह टेबल प्रोवाइड कर दिया है कि तुमको इसके हिसाब से जाना है. मतलब पी आई क्या होता है? हाँ, कि अगर पी आई बार 1 है तो एस डी 0 चाहिए. अगर पी आई 1.05 है तो एस डी मैक्सिमम कितना चाहिए? 0.05. ये टेबल उन्होंने बना के दे दिया है लोअर मैनेजमेंट को. और अब लोअर मैनेजमेंट के सामने में एक प्रोजेक्ट आया है. ठीक है, अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन हैज एन आउटले ऑफ 100 लाख. द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनपीवी इज गिवन बिलो. तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है? तुम बताओ. तुम्हारा टेबल है पीआई के टर्म्स में और तुम्हारा डेटा है, तो हमें एनपीवी के डेटा को पीआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा. करेक्ट ना? पहले एनपीवी के जो प्रोबेबिलिटी एनपीवी की होगी वही प्रोबेबिलिटी पीआई की होगी. तो एनपीवी की डेटा को पहले पीआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा. देखो कैसे करती हूँ. और उसके बाद अपने को निकालना क्या पड़ेगा? व्हाट विल यू कंप्यूट? पीआई बार एंड सिग्मा ऑफ पीआई, पीआई बार एंड सिग्मा ऑफ पीआई, बिकॉज योर टेबल रिक्वायर्स व्हाट? एक्सपेक्टेड पीआई एंड एसडी ऑफ पीआई. तो वो चेक कर लेंगे. हम लोग अपना पीआई बार निकालेंगे और एसडी भी निकालेंगे. अगर उन लोग के डेटा से हमारा डेटा वो जो रेंज है मैच कर रहा होगा तो एक्सेप्ट, वरना रिजेक्ट. सो ओके, लुक एट हियर हाउ आई एम गोइंग हियर. So, look at this, पहले देख लो फिर कॉपी करना. So, NPV, then PI, then probability. तो NPV माइनस 5 है, ठीक है ना? तो मैं क्या करती हूँ कि माइनस 5 में, इसको हटाते हैं पहले, इसका काम पहले खत्म करते हैं. माइनस 5 में 100 ऐड कर देती हूँ, तो क्या बन गया वो? पीवी ऑफ इनफ्लो बन गया. ओके, तो माइनस 5 प्लस 100 है ये, ठीक है ना? तो एनपीवी में अगर तुम आउटफ्लो ऐड करोगे तो क्या होगा? पीवी ऑफ इनफ्लो हो जाएगा एंड वापस से डिवाइड बाय 100 कर दूंगी ना तो आएगा व्हाट? पीआई आ गया. समझा? हाँ. सो 0.9 पर चालू हो जाओ. सो 0 is 0 plus 100 by 100 is 1. Then again 5. So 5 plus 100 by 100 is 1.05. Then 10. So 10 plus 100 by 100 is 1.10. Then 15
is 15 plus 100 by 100 is 1.15. Then 20 is 20 plus 100 by 100 is equal to 1.20. इसको ना x अज्यूम कर लेते हैं और प्रोबेबिलिटी लिखते हैं 0.1, 0.2, 0.05, 0.15, 0.3 and 0.2. सो कॉलम्स हमारे वही आएंगे पी एक्स एंड पी एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. डू इट गाइस. सो 0.95 × 0.1 is 0.002 आ रहा है क्या? हेडर x माइनस x बार करेगी ना, इक्वल टू करेगी, फिर इनटू इक्वल टू करेगी तो डबल हो जाएगा. ठीक है ना? बस पी है ना, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज पीवी ऑफ इनफ्लोज डिवाइड बाय आउटफ्लो. रुको, 1 - 1.098. (0.00192) (0.00115) आप रहे हो तो जीरो ही लेंगे. (0.00808) (0.07) (2×0) Okay, fine. So PI bar is summation of PX is 1.098. Sigma of PI will be summation of P X minus X bar whole square and root. So 0.007135 and root. (0.00)
मैं क्या बोल रही हूँ, कहाँ पे थ्रेशोल्ड पे कहाँ पे जाएगा ये? 1.1 पे जाएगा ना, 1.09 है, तो 1.1 के हिसाब से होना चाहिए। और ये लोग बोल रहे हैं कि 1.1 के पीआई बार के लिए हमें 0.07 से ज़्यादा का डेविएशन नहीं चाहिए, तो हमारा तो ज़्यादा है, हमको रिजेक्ट ही करना पड़ेगा। आज सुबह से एक भी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ है। सिंस द रिस्क ऑफ द गिवन प्रोजेक्ट इज ग्रेटर देन स्टेटेड, वी शुड रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। ओके, आई थिंक वी आर डन विद द सीसी हो गया, वो तीनों भी खत्म हो गए, राइट है ना? सो वी आर नाउ फोकसिंग ऑन व्हाट? आरएडीआर मेथड। आरएडीआर करने में वापस दो से पाँच मिनट लगेगा थियरी और सम के साथ, तो मतलब ब्रेक के बाद फिर उतना ही करना रहे जितना बच गया, जैसा ऐसा। मतलब मैं चाह रही हूँ सेंसिटिविटी में स्टार्ट कर दूँ और थोड़ा पुलअप हो जाए, और उसके बाद आकर के फिर सीधा दो चार पाँच सम करो एंड देन वी आर डन। Because if you leave main topics, it will be difficult for you to start after the break. That's how I think. Baki tumhari marzi. Okay. Now, the good part is that I have to do three sums. RADR karna hai na pehle. Pehle wo khatam karte hai, chalo. So we are doing risk adjusted discount rate method or RADR method. Risk adjusted discount rate method or RADR. दिस आर ए डी आर मेथड इज़ वेरी सब्जेक्टिव एक्चुअली। मैं कुछ और पढ़ाऊंगी, पी एम ए करोगे तो कुछ और मिलेगा, तो जो मैं बोलना चाह रही हूँ अगर वो समझ जाओगे तो तुम्हें फिर कुछ भी अलग अलग नहीं लगेगा। वॉट इज़ आर ए डी आर मेथड? ये लोग ये बोलते हैं कि इतना जा कर के लेंथ पे जाके वापस से न्यू केस ही डिराइव क्यों करना है, रादर बेटर क्या होगा कि जो आप अगर आप कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर रहे हो और नया जो प्रोजेक्ट है आपका वो पुराने वाले से अगर थोड़ा ज़्यादा रिस्की है तो थोड़ा सा और ऐड कर दो उसी में, और अगर आपको लगता है कि नया प्रोजेक्ट उससे कम रिस्की है तो थोड़ा सा उसमें से हटा दो। दैट्स आर ए डी आर मेथड। दे से दैट एनी रेट यू बिल्ड अप यू विल हैव द आर एफ कॉम्पोनेंट बाय डिफॉल्ट एंड इट विल बी द सेम फॉर ओल्ड एंड न्यू। द रिमेनिंग कॉम्पोनेंट इज द रिस्क प्रीमियम कॉम्पोनेंट। सो वॉट यू कैन डू, यू कैन ट्राई टू अपग्रेड द रिस्क लेवल और यू कैन downgrade the risk level depending on the requirement of the new project. That is RADR method. So this is a very open-ended concept. If I tell you to read 10 books on capital budgeting, you'll find 10 different explanations of the RADR. Because the subjectivity is there. कोई भी rate of example beta है तो ये लोग बोलेंगे beta में कुछ adjustment करके उसको change करके लगा दो, वो RADR बन गया। अब जो मैं करवा रही हूँ वो अलग है, तो तुम्हें ये मत सोचना कि अरे मैम ने कुछ और कराया था यहाँ पे। यू डोंट ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट द कॉन्सेप्ट, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट ऑन दैट पार्ट। ओके, इट इज अ ओपन एंडेड। द कॉन्सेप्ट इज दैट जस्ट डोंट ट्राई टू डिग इन टू एवरीथिंग, यू नो, कीप इट सिंपल, अपग्रेड और रिकैलिब्रेट आइदर अपसाइड और डाउनसाइड। क्योंकि वैसे भी आर एफ कॉम्पोनेंट तो सेम ही रहेगा,
जो रिस्क प्रीमियम कॉम्पोनेंट है वही तो बदलेगा, और तो क्या बदल जाएगा तुम्हारा, वो कॉन्सेप्ट हो रहा है यहाँ पे. सो लुक एट हियर व्हाट वी राइट हियर. सो आई एम नॉट राइटिंग इन थियोरी एज सच. के सी, वॉल्यूम कम कर दो उसका. के सी इज इक्वल टू आर एफ प्लस एन. तो आर एफ इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट, आर एफ इक्वल टू रिस्क फ्री रेट एंड एन इज इक्वल टू वॉट नॉर्मल रिस्क प्रीमियम. करेक्ट. नाउ आरएडीआर, आरएडीआर में क्या हो जाएगा पता है तुम्हें? आर एफ प्लस एन प्लस डीपी. सो आर एफ एंड एन तो कॉमन है. व्हाट इज डीपी देन? डीपी इज डिफरेंशियल रिस्क प्रीमियम. डीपी इज डिफरेंशियल रिस्क प्रीमियम. So either DP will be positive or DP will be negative. So either it will take the existing KC upside or it will take the downside. So we are doing one question. Maine type to kiya, I'm sure. Ha, 17 number sum. Okay, 17 number sum. The cash flows of a project are uncertain. Okay, the cash flows are given. Phir likha the firm's KC, question number 17, example of RADR. 17 mein likha hai, KC equal to what? 18%. While the government securities are yielding how much? 8%. The तो लिखा है राइट ना? केसी 18 है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 8% है, तो आरएफ ही तो हुआ वो. द फर्म डिसाइड्स टू यूज रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड टू अप्रेज द करंट प्रोजेक्ट. इट इज बिलीव दैट द प्रीमियम फॉर डिफरेंशियल रिस्क शुड बी 1.2 times of the normal risk premium, advise the firm. तो मैं क्या करने वाली पता है तुम्हें? पहले n निकाल लेते हैं. So KC is equal to RF plus n. So 18 equal to 8 plus n. N will be equal to what? 10. और बोल n का 1.2 times है DP ना. So RADR is equal to RF plus n plus dp. So dp will be equal to 10 into 1.2. ये हो गया 12. तो तुम्हारा RADR पता है बहुत बड़ी रेट बनेगी. It will be what? 8 plus 10 plus 12. 30% बन गया ये. तो तुम क्या करोगे, वो जो प्रोजेक्ट दिया हुआ है ना उसकी कैश फ्लोस को डिस्काउंट कर लोगे ये रेट से. सो ईयर 0, 1, 2 and 3 कैश फ्लोस विल बी 100 नेगेटिव, 80, 40 and 30. देन पीवी एट द रेट ऑफ 30%. सो ये 100 नेगेटिव हो जाएगा. देन 80 डिवाइड बाय 1.3 आई गेट 61.54 एम प्लस 40 डिवाइड बाई 1.312 इज 23.67 एंड एम प्लस. देन 30 डिवाइड बाई 1.3123 13.65 एंड एम प्लस एम आर सी माइनस 100 1.14. तुम्हें पता है अगर देखा जाए ना तो बहुत सॉलिड प्रोजेक्ट है. क्यों बोल रही हूँ ये बात? 30% पे भी, यानी कि बंदा 29 पे भी अग्री कर जाए ना तो भी पॉजिटिव एनपीवी है.
So the cash flows are very strong. We will not give any advice. और अगर अपन advice देने को निकलेंगे तो फिर advice अपन otherwise भी देंगे कि भाई if the expectation of the shareholders or the stakeholders goes down slightly, then the project will become viable because at 30% of ROR, it is almost giving a very small amount of negative NPV actually. Good enough. So we are sorted on this level, no? Very nice. आज तुम्हें थकान नहीं लग रही होगी ना, बस px माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आज यही करना है तुम्हें पूरे दिन, इसलिए मैंने कल रियल ऑप्शंस उड़ाया, बीच में इंटरफेरेंस चाहिए ही नहीं, कबाब में हड्डी खाली px माइनस एक्स बार करते रहो पूरे दिन बैठ के, खाली कॉन्सेप्ट अलग 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 आते चले जाएंगे. सो वी आर गोइंग टू टेक व्हाट मेजरमेंट ऑफ रिस्क. थोड़ी वो भी बात होती है, थोड़ी अब आदत पड़ गई तुमको, है ना, दैट ऑल्सो वर्क्स ना. So measurement of risk. इसमें तुमको थोड़ी सी थ्योरी में जरूर बताऊंगी, उसके बाद ही मैं अपन एक काम करते हैं ना, जैसे अपन लोगों ने उस वाले पार्ट में किया ना, पहले पूरी थ्योरी समझ ली फिर बैक टू बैक तीन सम किए, वैसे तीनों के बारे में समझ लो तो तुम्हें पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा. अब सुनना ध्यान से, मेजरमेंट ऑफ रिस्क का मतलब होता है कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, किस चीज का, एनपीवी का या कैश फ्लोस का, कुछ और तो हो नहीं सकता है. नाउ वो जो मेथड होगा निकालने का, द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द एनपीवी बार एंड द सिग्मा ऑफ द एनपीवी विल डिपेंड ऑन द कोरिलेशन ऑफ द कैश फ्लोस ऑफ द प्रिसीडिंग एंड सक्सीडिंग ईयर्स. तीन तरह के बिजनेस मॉडल ब्रॉडली डिफाइन करे गए. नंबर वन, एक वो वाला बिजनेस मॉडल जो कि मैं ज्यादा बिलीव करती हूँ, विच इज लुक्स मोर प्रैक्टिकल, कि तुम्हारे जो धंधा है, तुम्हारा बिजनेस जो है, उसके जो अगले साल का कैश फ्लो है वो प्रिसीडिंग ईयर पे थोड़ा प्रिसीडिंग ईयर पे डिपेंडेंट, पहले पीछे जो सेल किया उससे आता है, थोड़ा इंडिपेंडेंट होता है. तो उसको मैंने देखो हेडिंग दी तुम्हारी, मॉडरेटली कोरिलेटेड कैश फ्लोस. चेक इट आउट, लिखा है. ओबियस ही बात है, जो तुम्हारा कैश फ्लोस में जितनी ज्यादा कोरिलेशन कम होगी, रिस्क तो उतना ज्यादा होगा ना. तेरे जो पहले के जो तूने जो पिछले साल धंधा किया और उसके पिछले साल धंधा किया और इस बार जो धंधा कर रहा है, तो उसमें जितना रिस्क, तुम्हारे रिलेशन जितनी कम होगी, रिस्क उतना ज्यादा है ना, कि तुम हर टाइम जीरो पे आके खड़े हो जाते हो. तुम समझो उस बात को. तो दुनिया में जितने भी बिजनेस हैं, मुझे लगता है ज्यादा करके वो फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करेंगे. थोड़ा तो लॉयल कस्टमर तुम्हारा लेके आएगा धंधा, और थोड़े तुम्हारे नए कस्टमर ऐड होंगे. तो मॉडरेटली कोरिलेटेड कैश फ्लोस, और वो तुमको बताएंगे, डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. वो तुमको समय बोलेंगे कैश फ्लोस कैसे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट अपन एक एक मॉडल उठा करके सब्स्टिट्यूट करेंगे. बट मैं ये भी चाहती हूँ तुम समझो कि ये समझो तुम कर रहे हो, कर क्या रहे हो तुम, राइट? तो उसका तरीका अलग होगा, उसमें पाथ मेथड अपन यूज करते हैं. दूसरा, परफेक्ट कोरिलेटेड कैश फ्लोस, कोई एग्जांपल दे सकता है परफेक्ट कोरिलेशन वाले कैश फ्लोस? इलेक्ट्रिसिटी का धंधा, मोबाइल ऑपरेटर का धंधा, क्या है ये लोग? तुम इतनी आसानी से अपना मीटर निकलवा के दूसरे को लगवाते हो क्या? तो साल दर साल तुम्हारा जो कैश फ्लोज है वो सेम है, और एंड यू कैन प्रेडिक्ट विथ 99.99% प्रेडिक्शन. अगर तुमने पूरी एक साइकिल एक साल या दो साल की देख ली किसी एक कस्टमर की, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड. सो नाउ यू नो आई एम सेइंग दैट सपोज मैं इस क्लास को कुछ एक्स नंबर ऑफ ईयर से चला रही हूँ, तो अगर वो बंदा रीड कर रहा होगा तो पक्का समझ गया होगा कि फरवरी के महीने में और अगस्त के महीने में बिजली का बिल ज्यादा आएगा,
क्यों क्रैश कोर्स होता है, वरना 4 घंटे में क्लास मेरी तो खत्म हो जाती है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये साइकिल रीड कर लिया तो ये कांट यू प्रेडिक्ट विद 100% पॉसिबिलिटी? यस. तो ये तुम्हारे परफेक्ट कोरिलेशन वाले धंधे हो गए. चौथा, ये थर्ड वन, इंडिपेंडेंट नॉन कोरिलेटेड मूवी डिस्ट्रीब्यूशन. एक पिक्चर हिट कर गई, करोड़पति हो गए, उसी शौक से करके दूसरी पिक्चर ले लिए, खत्म हो गई, चली ही नहीं, बर्बाद हो गए. तो आई थिंक यू कैन रिलेट एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग. डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल राइट, दे विल गिव यू अ सम जहां पे वो बोलेंगे रिलेशन कैसी है. और अगर वो बोलेगा कि भाई मॉडरेट कोरिलेशन है तो गो बाय पाथ मेथड, अगर वो बोलेगा परफेक्ट कोरिलेशन है तो मिस्टर हर्ट्स के मॉडल से जाएंगे, और वो बोलेगा इंडिपेंडेंट है तो वो अपन चलेंगे हीलियर्स के मॉडल से. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. लेकिन हाँ, कैश फ्लोस दिखेंगे कैसे वो तुमको मैं दिखा देती हूँ. राइट ऑन. सो द टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ रिस्क मीन्स कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलवेज बाय अलग अलग मेथड, बट मेथड विल चेंज एज पर द कोरिलेशन ऑफ द कैश फ्लोस. यही लिखाने वाले हूं. द मेजरमेंट The measurement of risk is dependent on the correlation of cash flows of preceding and succeeding years A moderately correlated cash flows, and we will use what? Path method. The cash flows are related but not one to one, right? बट नॉट वन टू वन. तो मैं एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ कैसे दिखेगा वो. दिखा तुमको, ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी. मतलब अगर ए हुआ तो वापस से या तो बी होगा या फिर सी होगा, और अगर बी हुआ तो या तो डी या तो ई. I can see 4 NPVs coming out there. 4 branches, 4 NPVs, right? So how will you write here? Path will be A, B, D, then A, B, E, right now? Then A, C, F, and A, C, जी. चार पाथ आएंगे तो चार पाथ, तुम्हारा प्रोजेक्ट चार पाथ ले सकता है. तो अगर प्रोजेक्ट चार पाथ ले सकता है तो एनपीवी भी चार आएंगे, और चारों पाथ के होने की कोई चांस आएगी. दैट इज कॉल्ड जॉइंट प्रोबेबिलिटी. द वे यू हैव डू यू रिमेंबर वन सम इक्विटी, जहां पे अपने 2 साल के प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाले थे. तो सिमिलरली, बिकॉज तुम्हारा डी तो तभी होगा जब बी होगा, तो डी का होने का चांस इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज डिपेंडेंट ऑन द चांस ऑफ बी एज वेल. ओके, देन सेकेंड इज बी, परफेक्टली कोरिलेटेड कैश फ्लोस. The cash flows are related
and the relationship is 1:1. तुमको समझ आ रहा है क्या चल रहा है ये? मतलब सिर्फ पहली बार ही नहीं पता कौन सा होगा, और एक बार वो हो गया तो फिर होता ही चला जाएगा. देखो प्रोबेबिलिटी वन हो गई, देखा तुमने, जब मैंने स्ट्रेट एक लाइन दे दी तो प्रोबेबिलिटी वन हो गई ना. ए बी सी डी ई एफ जी, राइट. सो इन ऑर्डर टू कंप्यूट द एनपीवी, यहां पे फॉर्मूला आएगा, वी कंप्यूट एनपीवी बार एंड सिग्मा ऑफ एनपीवी बाय हर्ट्ज मेथड, बाय हर्ट्ज मेथड. तो एनपीवी बार विल बी इक्वल टू सी एफ वन बार प्लस सी एफ टू बार डिवाइड बाय वन प्लस आर एफ बाय वन प्लस आर एफ होल स्क्वेयर. देन दिस विल बी सी एफ एन बार बाय वन प्लस आर एफ रेस्ट टू द पावर एन ना एन द होल माइनस आई. सीसी नहीं है इसमें, इसमें सीसी नहीं है. अगर सीसी मल्टीप्लाई करोगे तो रिस्क मेजर कैसे होगा, वो तो तुमने खत्म कर दिया, करेक्ट ना. अगर कैश फ्लोस में से तुमने रिस्क निकाल दिया तो रिस्क कंप्यूट फिर क्यों कर रहे हो. डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग एंड एनालाइजिंग द रिस्क. एक्चुअली सिग्मा ऑफ एनपीवी विल बी इक्वल टू सिग्मा सी एफ वन वन प्लस आर एफ सिग्मा सी एफ टू बाय वन प्लस आर एफ होल स्क्वेयर सिग्मा सी एफ एन बाय वन प्लस आर एफ रेस्ट टू द पावर एन. इसमें माइनस आई मत कर देना तुम, कि चलो उसमें आई माइनस करे थे इसमें भी कर ही देते हैं. या यू आर, सो बेसिकली यू आर, व्हाट आर यू डूइंग, तुमने हर कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन का रिस्क निकाल लिया और उसको प्रेजेंट वैल्यू करके जीरो में ले आए. तो जो तुम्हारे कैश फ्लोस का रिस्क होगा वही तो तुम्हारे एनपीवी का रिस्क होगा. द रिस्क ऑफ योर कैश फ्लोस इज व्हाट इज द रिस्क ऑफ योर एनपीवी. सी इंडिपेंडेंट और नॉन कोरिलेटेड कैश फ्लोस, द कैश फ्लोस आर completely independent and not related to each other. इसका कोई डायग्राम नहीं दे रही मैं. We can compute NPV bar and sigma of NPV by Hilliard's method so guys I think I'll spend around 1 hour on this topic whole topic और इसमें दो तो बहुत बड़े बड़े सम आएंगे तुम्हारे तो मैं सोच रही हूँ जो भी रिलेटेड सम है वो साथ में करते जाती हूँ ताकि बाद में जाके पाइलिंग अप नहीं हो जाए सारे हैवी सम्स की. तो वी विल डू, एक तो सम मुझे पास मेथड का तुमको बना के देना पड़ेगा और नहीं तो बोलो तो बना देती हूँ छोटा सा सम, ज़्यादा बेटर. अगर सेम सम आएगा तो फिर स्किप कर जाएंगे. और हीलियर्स और हर्ट्स के लिए एक ही सम यूज़ कर लूँगी. अभी लिखना बाकी है इसमें ना, एन पी वी बार सिग्मा नहीं लिखा है फॉर्मूला. और एक सम पीछे मैंने आर टी पी से उठाया है जो कि मैंने ऑफलेट अभी नई आर टी पी में भी देखा, तो वो पार्ट है. तो देख लो यहाँ पे कैसे जाएगा ये, एन पी वी बार CF1 bar
by 1 plus Rf, Cf 2 bar by 1 plus Rf whole square, and Cf n bar by 1 plus Rf n minus I. So sigma of NPV will be देखो 2T. देखो तुमने नोटिस किया हर्ट्ज में ना डेविएशन था और रूट नहीं था. तुमको याद है डब्ल्यू स्क्वायर है सिग्मा स्क्वायर है, समझा ना? डब्ल्यू वैसे ही है लेकिन यहां पे 2T है. 2T का मतलब क्या हुआ? 2 का टेबल चलेगा. एक्चुअली फर्स्ट ईयर में डिस्काउंटिंग होगी 2 से, सेकेंड ईयर में डिस्काउंटिंग होगी 4 से. अभी अपन लॉजिक वगैरह में नहीं जा रहे हैं बिकॉज इट विल वेस्ट आवर टाइम अननेसेसरी. तो हीली इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज है तो वरायंस है और फिर रूट है, वो तो नॉर्मल है. लेकिन नीचे तुम्हारा 2 का टेबल चलेगा. 2 देखो यहाँ पे क्या लिखने वाली हूँ, वरायंस ऑफ सी एफ 2 बाई 1 प्लस आर एफ 2T. तो यहाँ पे 4 आ जाएगा ना, मतलब 4 हियर. देन सिग्मा स्क्वायर सी एफ एन बाई 1 प्लस आर एफ 2N. इट इज एग्जैक्टली सेम. आई थिंक इफ यू सी, हो सकता बोलो तुमको एक ही सम पूछे, क्योंकि पता है एनपीवी बार का तो फॉर्मूला सेम है ना. बोलो हाँ ना, यस. एनपीवी बार सेम है, खाली रिस्क निकालने का अलग अलग है. और सबसे अच्छी बात, पहले तुम वरायंस निकालोगे फिर ही एसडी निकालोगे. तो वरायंस का डेटा काम आएगा हीलियर्स के लिए और डेविएशन का डेटा काम आएगा हर्ट्स के लिए. तो केस वन केस टू बना देते हैं ये लोग. अज्यूम द कैश फ्लोज आर परफेक्टली कोरिलेटेड. सेकेंड, assume the cash flows are completely independent. So you can have back to back that way. ठीक है? मैं सोच रही हूँ ना, सम नहीं बना करके एक सम ऐसा उठाते हैं अपन शीट से, एक शीट भी सम भी कम हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ. 28 नंबर सम अगर देखोगे ना, तो डिसीजन ट्री बोलते जरूर हैं बट वो जो मेथड हम यूज कर रहे हैं ना वो पाथ मेथड का ही है. तो वाई टू डू वन मोर सम बिकॉज दिट इज वेरी इजी एंड वाई रिपीट अननेसेसरी. एक सम तो कम होगा कम से कम शीट से, राइट ना? क्वेश्चन नंबर 28 देख लो ना. A firm has an investment proposal. फिर से रिपीट कर रही हूं. वो सम को बोल रहे हैं डिसीजन ट्री, लेकिन मेथड ऑफ सोल्यूशन इज वॉट? पाथ मेथड. डेटा इज पाथ मेथड वाला. मतलब देखो ना, कैश फ्लो देखे पता चल जाएगा तुम्हें. अ फर्म हैज एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिक्वायरिंग एन आउटले ऑफ रुपीज 40,000. द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज एक्सपेक्टेड टू हैव 2 years ऑफ इकोनॉमिक लाइफ विथ नो सैलवेज वैल्यू. इन ईयर वन there is 0.4 probability that cash flow after tax CFAT will be 25,000 and 0.6 probability. दिख रहा है तुम्हें? तो बेसिकली अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा? ऐसा नहीं बनेगा, देखो ऐसे, करेक्ट ना? तो यहां पे आएगा कितना आएगा? 0.4 होने का चांस कितना है? 0.4 एंड 0.6, 25,000 ये हो जाएगा 25,000 और ये हो जाएगा 30,000, समझा ना? और अगर 25,000 हुआ तो देखो 3 वापस है नीचे, तो 3 ले लेंगे अपन. आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग. अगर मैं ड्रॉ भी करती ना तो ऐसा ही डायग्राम ड्रॉ करने वाली थी. और इट बिकम्स वेरी इरिटेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स कि एक ही चीज रिपीट में बार बार आप कर रहे हो. तो थोड़ा सी लाइट ले लो इसको. तो ये हो जाएगा 12,000, फिर हो जाएगा 16,000 और फिर हो जाएगा 22,000. और इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.2, 0.3 एंड 0.5.
वापस इसके तीन ब्रांच आएंगे और ये हो जाएगा 20,000, देन 25,000 एंड देन 30,000 विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4, 0.5 एंड 0.1. तो तुम्हारे पाथ मेथड को कैसे, हाउ डू वी इंटरप्रेट दिस डेटा? अगले साल या तो कैश फ्लो 25 होगा और नहीं तो 30 होगा. अगर 25 हो गया तो या तो 12 या तो 16 या तो 22. अगर 30 हो गया तो या तो 20 या तो 25 या तो 30. तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू टेल द कैश फ्लोज ऑफ द सेकेंड ईयर आर डिपेंडेंट ऑन द कैश फ्लोज ऑफ द फर्स्ट ईयर बट नॉट 1:1. बट आई कैन सी माई 6 NPVs. 6 पाथ विल गिव यू 6 NPV. अब देखो सब में क्या लिखा है, यूज 10% डिस्काउंट रेट. क्वेश्चन ये पूछा है प्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ डिसीजन ट्री बोल रहा है, तो वो तो कर दिया ना, ट्री तो बना ही दिया अपने लोगों ने. फिर बी में बोला है फाइंड आउट द NPV अंडर द वर्स्ट आउटकम एंड द बेस्ट आउटकम. एक मिनट शांति रखना, मैंने तुमको अभी बोला कि 6 NPV निकलेंगे, बराबर है? तो 6 में से जो सबसे ज्यादा वाला होगा वो बेस्ट आउटकम और जो सबसे कम वाला होगा वो वर्स्ट आउटकम. समझ गया राइट? और ये क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया. फिर अपन क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का कॉलम लेंगे 0.4 × 0.2. नेचुरली तो तुम्हारी 6 प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी. वो 6 NPV एब्सोल्यूट है कि डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है. तो 6 NPV 6 प्रोबेबिलिटी दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, एवरेज NPV. समझ गया ना? तो तुमको अभी डेटा नहीं था वो -500 वाला, तो वो 6 तुमको NPV निकाल के प्रोबेबिलिटी के साथ में दिया हुआ था. आई थिंक यू गॉट इट ना? ओके, नाउ दिस से फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द अबव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल. होल्ड करना, बोला प्रॉफिटेबिलिटी बताओ मतलब एवरेज NPV बताओ. गॉट इट? प्रॉफिटेबिलिटी बताओ मतलब एवरेज NPV बताओ कि हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. दैट्स हाउ द क्वेश्चन इज मूविंग. शुड वी स्टार्ट देन? हैव यू ड्रॉन द डेटा? प्लीज ड्रॉ, देयर इज नथिंग ग्रेट इन द सम एज सच. शुरू कर दूं मैं सम को तब? चलो, तो यहां पे ले रही हूं मैं, आई टेक योर पाथ, देन NPV. दो ही लेते हैं, प्रॉब्लिटी बाद में लेंगे अपन. पाथ वन में तुम्हारी ट्री जो आएगी वो कैसे आएगी? वेट अ मिनट, चलो, इट बी 25,000 डिवाइड बाई 1.10. करेक्ट? 2 साल का डेटा है ये. पहले साल में 25 या 30 और दूसरे साल में 3-3, ऐसा. I'll go like this. 25,000 divided by 1.10 plus 12,000 divided by 1.10 whole square minus how much? 40,000. Then path number 2. 25,000 divided by 1.10 plus 16,000 by 1.10 whole square minus 40,000. Then number 3, 25,000 divided by 1.10 plus 22,000 divided by 1.10 whole square and minus 40,000. Then 4, 30,000 divided by 1.10 plus 20,000 by 1.10 whole square minus 40,000. Then 5, 30,000 divided by 1.10 plus 25,000 divided by 1.10 whole square minus 40,000.
then 6, 30,000 divided by 1.10 plus 30,000 na, divided by 1.10 whole square minus 40,000. मेरे को पहला आ रहा है 7355 नेगेटिव. फोर जीरो फोर नाइन नेगेटिव. नाइन जीरो नाइन. वन फाइव कितना आ रहा है? फोर्थ कितना आया? थ्री एट 01.65. बोल 7933.88. हाँ 1206.12. और सबकी प्रोबेबिलिटी भी आएगी. इसको अपन x बोल देते हैं. x हो गया ये. सो गाइस आई कैन बेसिकली व्हाट वी कैन वी शुड डू, पहले पूरा टेबल कंप्लीट कर लेते हैं और बाद में b और c का आंसर बोल के वी कैन राइट. राइट. सो नाउ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी विल बी 0.4 इंटू 0.2 0.08 0.12 राइट ना. अब होगा 0.24 0.3 0.06. सो px सेवन थ्री फाइव फाइव इंटू 0.08 इस माइनस 588.4 एम प्लस 4049 इंटू 0.12 इज 4 माइनस 485.88 एम प्लस 909.09 इंटू 0.2 इज कितना आया? तो टोटल कितना आ रहा बता दो. 3123.97. ये एनपीवी हो गया ना, एनपीवी बाहर हो गया. ये सो बी बेस्ट केस पाथ सिक्स
worst case path 1, C. नहीं, पाथ फाइव हुआ क्या? सही तो लिखा मेरे लग रहा है. सेवन नाइन थ्री थ्री है. ये तो 120 है ना, सबसे ज्यादा वही है. 33,000 दोनों में आया है. तुम पीएक्स क्यों मल्टीप्लाई? अरे एब्सोल्यूट देखोगे ना, यू विल चेक आउट ऑन द एब्सोल्यूट, यू विल नॉट मल्टीप्लाई विद द प्रोबेबिलिटी एंड देन चेक ना. यू विल नॉट मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी एंड देन चेक, इट हैज टू बी एब्सोल्यूट ना. प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब क्या निकलता है? बराबर, इट हैज टू बी एब्सोल्यूट कंपैरिजन. द एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज इक्वल टू एनपीवी बार इक्वल टू 3123.97.